हेलो मैम। हाय। हाय विशाल। सिट। तो करते क्या हो आप लोग? वेल, फिलहाल तो मैम को एक्ट्रेस बनना है, तो उन्हीं की ऑडिशन के लिए आए हैं आपके पास। कुछ लोगे चाय या कॉफी? मैम, इन सब का टाइम नहीं है, ऑडिशन स्टार्ट करते हैं। ओके। वैसे मैम, आपने कहा था कि डायरेक्टर साहब भी रहेंगे, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो अपनी किसी फिल्म के लोकेशन पे गए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप दोनों को मैं हैंडल कर लूँ। तो कुछ सीन है जो नरेट करके रिहर्सल करना है, कुछ बोल्ड सीन्स भी है। लेकिन मेरे डायरेक्टर सर से तो कोई बात ही नहीं हुई। मैंने बोल्ड सीन करने के लिए पहले ही मना कर दिया था, और स्पेशली किसी और के साथ तो बिल्कुल भी। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, इतना स्ट्रेस आउट मत हो। लेकिन ये बोल्ड सीन बोल रही है। हाँ, बट वर्क इज वर्क, तुम कर सकती हो। यू कैन मैम। आरती, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत हो, पहले पूरी कास्टिंग सुन लो। डायरेक्टर ने कहा है कि मूवी में एक ऐसा हीरो होना चाहिए जो हैंडसम, डैशिंग और माचो हो, तो आप उस कैरेक्टर में बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हो। रियली? लेकिन ये कब हुआ? और अगर मैं और विशाल हैं, तो ऑब्वियसली मुझे बोल सीन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लेट्स बिगिन। ओके, श्योर। हम लोग रेडी है। विशाल, जो कह रही हूँ वो करो। आरती के पीछे यहाँ पे भागो और उसे उठाओ। विशाल, जो कह रही हूँ वो करो। स्टॉप, उठाओ उसे, उसे उठाओ और पानी में फेंक दो। कट कट, ये ठीक नहीं हुआ। दोबारा बाहर आओ, उसे उठा के फेंको, जल्दी आओ। जो कहा है वो करो। स्टॉप, उठाओ से। चलो ठीक है, बाहर आ जाओ। चलो चलो, बेडरूम वाला सीन कम आउट। चलो कट, कम आउट। सो नाउ, हीरो हीरोइन को प्यार हो जाता है। लड़की थोड़ी सेंसिटिव है और लड़का थोड़ा एग्रेसिव।
विशाल इससे ज्यादा क्लोज हो रहा है। विशाल आरती को बहुत चाहता है, सो इस सीन में विशाल आपको आरती को पकड़कर बेड पे पुश करना है। उसके बाद आरती आपको कैरेक्टर में बिल्कुल खो जाना है। डोंट वरी डियर, मैं बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करूंगी। विशाल, यू टेक द लीड। आरती, यू नीड टू कोऑपरेट। एटलीस्ट कुछ देर तक कोशिश करना विशाल को दूर करने की। विशाल, स्लोली आरती को बेड पे पुश करना। फिर देन लेट्स स्टार्ट। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डू इट विथ पैशन। ओके, श्योर मैम। कट कट, ये क्या हो रहा है? जबरदस्ती मत करो उसके साथ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सो बी नेचुरल। क्लियर? स्टार्ट एक्शन। ठीक है, कट गाइस, दिस इज टू इंटेंस। चलो कपड़े पहन लो, नॉर्मल हो जाओ। Guys, this is seriously impressive stuff. तुम लोगों ने तो ऑलमोस्ट मेरा काम खत्म कर दिया है। बस एक दो सीन और we are done. अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। जो तुम्हारा ये हीरो इतना अच्छा बन रहा है, अब वो नेगेटिव रोल में चला जाएगा, बिल्कुल एक विलन की तरह, जो लड़की को फंसा कर उसको मारने का प्लान बना रहा है। Oh, that's intense, यार. तो इस सीन का रिहर्सल कैसे करेंगे? मतलब देखो गाइस, तुम लोगों को बिल्कुल मेथड एक्टिंग में रहना होगा। जब तक के फीलिंग्स नहीं आएंगे, तब तक के एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। आरती, विशाल तुम्हारा गला दबाएगा और तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी होगी, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह, क्योंकि फिल्म में आपका रोल कुछ देर तक ऐसा ही है। फाइन। आरती, आरती आप सोफे पे लेटोगी और मेरे एक्शन कहने पे विशाल आएगा और आपका गला दबाएगा। ओके, अंडरस्टूड। जाओ टचअप कर लो। रेडी एक्शन।
ये क्या गला दबा रहे हो? आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों से ये हो पाएगा। क्या कर रहे हो? और आरती, तुम्हारे तो एक्सप्रेशन भी मैच नहीं कर रहे यार। एक काम करो आरती, तुम जैसे लेटी हो वैसे लेटी रहो सोफे पर। विशाल, तुम आओ और आरती का गला दबाओ और जोर से। नहीं यार, कट। विशाल, तुम क्वेश्चन लो, दोबारा ट्राई करो। एक्शन। आरती, थोड़ा ढंग से करो यार। चलो फिर से, रेडी एक्शन। क्या पागल हो गए होगे तुम? सच में गाइस, सिंपल मर्डर सीन है ये, वो भी तुम लोगों से नहीं हो पाता है। तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। एक्शन। चलो छोड़ो यार, सिंपल तरीके से ट्राई करते हैं। विशाल, तुम जूस में पिल डाल के आरती को दोगे क्या? यार अब इसकी कैसे रिहर्सल करेंगे? अच्छा, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, तुम दोनों ने ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। एक सिंपल सा मर्डर सीन है, वो भी तुम दोनों से नहीं हो पा रहा है। जो कह रही हूं वो करो और करके खत्म करो। आरती उठो। आरती उठो। आरती। आरती। विशाल, विशाल, विशाल। लगता है आरती कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गई है मेरे मेथड वाली बात पर। पर इसे तो उठ जाना चाहिए था ना अब। उठ जाएंगे वो, छोड़ो उसे। एक आखिरी सीन बचा है, फिर आज का दिन खत्म। फिर नेक्स्ट शॉट में हीरो को पता चलता है कि उसे बंगलों में बुलाने वाली कास्टिंग डायरेक्टर उसको मारना चाहती है और उसे कहती है कि डायरेक्टर कहीं बाहर गया है। वैसे मैम, आपने कहा था कि डायरेक्टर साहब भी रहेंगे, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो अपनी किसी फिल्म के लोकेशन पे गए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप दोनों को मैं हैंडल कर लूं। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड को उसी से मरवा कर उससे पैसे मांगती है। एक सेकेंड, ये सब क्या चल रहा है? आरती, आरती, आरती,
तुमने सच में मार दिया आरती को? और तुम्हें भी मार दूंगी। चलो एक आखिरी सीन बाकी है, फिर देन पिक्चर खत्म। कोई चांस लेने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा मेरे हीरो। आई डोंट केयर, मैं भी पुलिस को कॉल करके बता रहा हूँ कि तुमने मारा है आरती को। यू कांट गेट अवे बिच। ओह रियली? तुम हीरोज ना बिल्कुल गधे पैदा होते हो। किया तुमने सब कुछ है और ब्लेम मुझ पे। तुमने मारा है आरती को, उसके जूस में कुछ गड़बड़ थी, ये मुझे पहले से ही पता था। तुमने मारा है उसे और मेरे पास इसका शॉट। चलो पैसे निकालो, डायरेक्टर को पैसे देने वाले थे ना रोल के लिए। ये सब तुम्हें किसने बताया? मुझे सब पता है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके ओके। चलो चलो उठो और जाओ पैसे लेकर आओ। गुड बॉय। डायरेक्टर सर, आपकी रिहर्सल तो हो गई, आपकी ये मूवी सुपर डुपर हिट होगी। और हाँ, आपकी ये मूवी की जो हीरोइन है कुछ खास नहीं थी, तो देन मैंने उसे भी मार दिया। डोंट वरी, कुछ करती हूँ।